मेरा नाम सुपिंदर बिंटा, मैं तहसील कल्याण अधिकारी शिमला शहरी। इसमें अगर फॉर्मेलिटीज की बात की जाए तो थोड़ा सा ये आपके माध्यम से मैसेज भी चला जाएगा लोगों तक। वैसे तो फॉर्म में सब कुछ मेंशन किया हुआ है, जो हमारा पॉइंट नंबर 13 है, इसमें सब कुछ है कि भाई सरकार से किसी भी तरह का लाभ प्राप्त ना कर रहा हो वो परिवार जहाँ से हमारे पास प्रार्थी आ रहा है। सपोज कीजिए कि भाई कहीं पर ओल्ड एज पेंशन है, उनकी फिर बेटी है या फिर उनकी जो वाइफ है, अगर वो 59 से कम है, वो ये मान के चलते कि भाई हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो नहीं पात्र है। शॉर्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स मेंशन किए, चाहे आउटसोर्स है, चाहे आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, या कोई आंगनवाड़ी वर्कर है, या कुछ भी है, तो वो वहाँ के परिवार के अंदर पात्रता नहीं होगी वहाँ की महिलाओं की। और दूसरा ये कि जो आपने फुटफॉल के बारे में बात करी, तो फुटफॉल के बारे में हमारे पास दिल्ली यहाँ पर, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, शिमला शहरी और शिमला ग्रामीण दो कार्यालय इकट्ठे हैं, और वो भी अभी यहाँ पे एक साथ ही चल रहे हैं हमारे इस रूम में। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो रही है, और उसमें हमने इसको टेकअप कराया है, गवर्नमेंट के साथ भी कराया है, तो शायद इसमें हमें उम्मीद है कि ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। और दूसरा, लगभग डेली 500 से 600 लोगों का आना जाना तो नॉर्मल है, कई बार ये आंकड़ा 1000 के पास भी पहुँच जाता है। तो लगभग आप एवरेज चलेंगे तो 500 प्लस आपके पास डेली का फुटफॉल है हमारे पास यहाँ पे। कई लोगों को पता नहीं है थोड़ा सा। जी, ये बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न किया है। यहाँ तक कि जब हमारे पास लोग आते भी हैं, तो लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि वो जब भी इस कार्यालय का पता करें तो वेलफेयर ऑफिस के नाम से ये जाना जाता है। अगर हम शॉर्ट में बात करें, तहसीलदार साहब भी मुझे मिले थे, तो वो कह रहे थे कि भाई सारे लोग मेरे पास आते हैं, फिर मैं यहाँ से भेजता हूँ कि वहाँ जाओ। तो मैं सभी लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि आपका जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश है, उसके माध्यम से जो हमारे सब डिवीज़न या तहसील लेवल पे कार्यालय है, वो तहसील कल्याण अधिकारी का कार्यालय है, और आप शॉर्ट में वेलफेयर ऑफिस के नाम से इसे जानते हैं। तो हमारे यहाँ पे DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ये शिमला ग्रामीण और शहरी का कार्यालय है। तिथि का ऐसा कोई जो है बार नहीं है इसमें, ये तो एक आपकी जो बाकी हमारी जैसे स्कीम चल रही है, तो इसमें ऐसा लास्ट तिथि वाला, लोग बहुत बोलते हैं कि लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ इसको, कि इसमें आप सीधे तौर पर परिवार में सबसे बड़ी बात है माता पिता और बच्चे। तो इस परिधि में जो लोग आते हैं, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की सरकारी नौकरी में ना हो, ना ही कोई सरकारी स्कीम का उन्हें कोई फायदा मिलता हो, किसी भी सरकारी स्कीम का, और ना ही वहां पर कोई आय कर देता हो। ये तीन कंडीशन मुख्यतः है, जो समझने भी इजी होगा। ज़्यादा उसके लिए जो हमारा फॉर्म है उसमें हर एक चीज़ मेंशन करी है, जो 13 नंबर कॉलम में उसमें दर्शाया गया है उसको आप ध्यान से भरें। अगर आपको लगता है कि आप उसमें से किसी में भी कवर हो रहे हैं, तो काइंडली आप इस फॉर्म को ना भरें और परेशान ना होए।